राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा, मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा, योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा, सारी काया हो सारी काया बनेगी निरोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता, योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता, आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता, योग महिमा हो योग महिमा कभी कम न होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम
मैं आत्मा इस देह रूपी स्वराज्य में स्वराज्य अधिकारी हूं। सारे संसार में परमात्म संदेश देने वाली अवतार हो। मैं स्वयं को देख रही हूँ। इस देह रूपी स्वराज्य में मस्तक सिंहासन पर बैठा हुआ मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान स्वराज्य अधिकारी हो। राजा हो। अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हो। मणि की समान चमक रही हो। मैं मस्तक मणि हूं। एक चैतन्य शक्ति एक दिव्य प्रकाश पुंज हो। मैं अविनाशी हूं। सत्य हो। चैतन्य हो। तो गुणी हूं।
मैं आत्मा राजा मेरा रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर को यूज करते हुए इस देहरूपी स्वराज्य से हर एक कर्म इंद्रियों से मेरी शक्तियों को समेट कर देह देहवान देह के धर्म से डिटैच हो मस्तक सिंहासन पर एकाग्रचित हो बैठी हो मैं उपराम अवस्था में हूं अब मेरा मन और बुद्धि मेरे सत्य स्वरूप पर एकाग्र है मैं बुद्धि से देख रही हूं मस्तक के मध्य सिंहासन पर ज्योति बिंदु आत्मा चैतन्य मणि बन चमक रही हो प्रकाश की काया को धारण कर रही हूं डबल लाइट स्वरूप में स्थित हूं आत्मा लाइट शरीर लाइट स्थूल वतन से न्यारा होकर मैं मीठे अव्यक्त वतन हो जाता हूं मिला वतन का उलान मंत्रण चलो मनाने प्रभु मिलन मिला वतन चल
चलो मनाने प्रभु मिलन। मीठा अव्यक्त वतन पहुंचते ही एक अलौकिक बेहद न्यारापन का अनुभव हो रहा है। मेरी वृत्ति अनाशक्त वृत्ति को धारण कर रही है। मेरे दिल की भावनाएं केवल अव्यक्त वतन में मिठे अव्यक्त बाप दादा की ओर जुड़ाव है। मिठे बाप दादा को देख रहा हूं। बाप दादा मुझे देख रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा के तख्त नशीन हो
मेरे सारे रिश्ते नाते संबंध एक बाप दादा से है। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं, मेरा स्वरूप मीठे बाप दादा समान है। बाप दादा की वरदानी दृष्टि कुछ डबल लाइट फरिश्ता पर पड़ रही है। बाबा मुझे अपने समान रहम दिल मास्टर करुणा का सागर शक्ति स्वरूप समर्थ स्वरूप बना रहे हैं। मीठे अव्यक्त ब्रह्म बाबा मां बनकर मुझे अपने समान गुण और शक्तियों से श्रृंगार कर रहे हैं। अमृत वेले अमर भव का वरदान दे रहे हैं। भोलेनाथ शिव बाबा से मिलन मनाने के लिए मुझे तैयार कर रहे हैं। शक्ति की खुराक पिलाकर शक्ति से समर्थ स्वरूप बना रहे हैं। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं, अव्यक्त बाप दादा के साथ हर समीप हूं। कितना शक्तिशाली न्यारी और प्यारी अवस्था
मैं डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप से निराकार ज्योति बिंदु अनादि स्वरूप को धारण कर रही हूं। मैं निराकार ज्योति बिंदु विदेही आत्मा हूं। अब एक सेकंड में अव्यक्त वतन से डिटैच होकर ब्रह्मलोक में ऊंचे ते ऊंचे धाम मेरा निजी घर मूल वतन में परम धाम में मिठे भोलेनाथ सर्वशक्तिवान दाता वरदाता भाग्य विधाता सर्व संबंधों की सक्रिय त्रिमूर्ति शिव बाबा के तख्त नशीन बन जाती हूं। मैं बाप समान रूप में हूं। निराकार हूं ज्योति बिंदु हूं विदेही हो। भोलेनाथ शिव बाबा मेरे माता भी है परम पिता है परम शिक्षक परम सदगुरु है सलोना साजन है सर्व संबंधों की सक्रिय शिव बाबा तू मेरा साजन सौंपा तुझको मैंने ये जीवन शिव बाबा
तुझको मैंने ये जीवन, शिव बाबा तू मेरा साजन, सौंपा तुझको मैंने ये जीवन। मैं महसूस कर रही हूँ भोलेनाथ शिव बाबा सर्व संबंध की सक्रिय बल मुझे सर्व संबंध की गहन अनुभूति करा रहे हैं। ज्ञान गुण शक्ति और वरदान देकर मेरी पालना कर रहे हैं। मुझे सर्व खजानों के मालिक बना रहे, सर्व शक्तियों की सर्व गुणों की लाइट और माइट की किरणें देकर भोले भंडारी भोलेनाथ शिव बाबा मुझे सर्व प्राप्ति संपन्न बना रहे हैं। सद्गुरु वरदाता बाबा वरदानों से मेरी बुद्धि रूपी छोली को भरपूर कर रहे हैं।
गुणों का सिंधु। सर्वशक्तिवान बाबा के साथ हर समय रहकर मैं स्वयं को सर्व गुणों से भरपूर सर्वशक्ति संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान मास्टर गुणों का सिंधु हो मैं विदेही आत्मा विदेही भोलेनाथ त्रिमूर्ति शिव बाबा के तख्त नशीन बन भुले भंडारे के सर्व खजानों के मालिक बन चुका हूं। सर्व प्राप्ति संपन्न सर्व खजानों से भरपूर सर्वशक्ति संपन्न मास्टर वरदानी मरत बाप समान लाइट और माइट हो अमृत वाले अमृत पान कर मैं आत्मा अमर हो अविनाशी हो मास्टर आनंद का सागर हो सत चित आनंद हो आत्मा भरपूर होकर मास्टर वरदानी मृत बन सर्व परमात्म खजानों के मालिक बन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा अब ब्रह्मलोक से भोलेनाथ त्रिमूर्ति शिव बाबा के दिल तख्त से अव्यक्त वतन वासी बन जाता हूं
डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप को धारण। निराकार ज्योति बिंदु विदेही आत्मा, मैं मास्टर वरदान मृत हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मास्टर गुणों का सिंधु हूं, सर्व संबंधों की स्नेह स्वरूप परमात्म स्नेही हूं। मैं डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में हूं। मीठे अव्यक्त बाप दादा के साथ कंबाइंड हो रहा हूं। मीठे बाप दादा के हाथ में मेरा हाथ है। अव्यक्त वतन में बाबा के साथ कंबाइंड हो समीप रहकर। दानी मादानी वरदानी बल इष्ट देव के रूप में सर्व भक्त आत्माओं को उनके भक्ति की फल शुभ मनोकामनाओं का फल प्रदान कर रहा हूं। सारे भक्त मुझे पहचान रहे हैं मेरे द्वारा परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा को पहचान रहे हैं। डबल लाइट फरिश्ता बाप दादा से कंबाइंड होकर ब्रह्म दिल मास्टर करुणा का सागर बन अव्यक्त वतन में साकार सृष्टि में सभी दुखी अशांत भटकती हुई आत्माओं को सुख शांति शक्ति और प्रभु प्रेम की लाइट और माइट की किरणें दे रहा हूं। भटकती हुई आत्माओं को सुख शांति देकर उन्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति की रास्ता बता रहा हूं, ठिकाना दे रहा हूं। दुखी आत्माओं को सुख प्रदान कर रहा हूं, अशांत आत्माओं को
शांति दे रहा हूं। अज्ञान अंधकार में भटकती हुई आत्माओं उनका सत्य परिचय देकर ज्ञान का सागर सर्वशक्तिमान सर्व संबंध की सैक्रेन त्रिमूर्ति शिव बाबा से उनका परिचय करा रहा हूं। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो श्वास की हर लड़ी कीमती है व्यर्थ जाने से इनको बचा लो श्वास की हर जाने से इनको बचा लो प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो करो प्रभु प्यारो तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो करो प्रभु प्यारो तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो मैं प्रकृति पति फरिश्ता प्रकृति की पांच तत्व आकाश पृथ्वी वायु जल और अग्नि को पवित्रता की लाइट और लाइट की किरणें देकर सत्व प्रधान बना रहा हूं। प्रकृति की सत्वगुणी संस्कार को इमर्ज कर रहा हूं। डबल लाइट फरिश्ता बाप दादा से कंबाइंड होकर पूरे साकार सृष्टि में
सुख शांति और खुशहाली की श्रेष्ठ वातावरण फैला रहा हूं। साकार सृष्टि सतियों की नई दुनिया की ओर आगे बढ़ रहा है। चारों ओर सुख शांति समृद्धि और संपत्ति की श्रेष्ठ दुनिया बन रहा है। सकार सृष्टि सतियों की नई दुनिया बन रहा है। अब हम सभी मिलकर बाबा के द्वारा रचाई गई रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में इस समय देश और विदेश में निर्माणाधीन बाबा के सेवा अर्थ बन रहे नए मकान, चाहे सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र, गीता पाठशाला, रिट्रीट सेंटर, हर एक स्थान को लाइट और माइट की किरणें दे, दिल की दुआएं दे, श्रेष्ठ शुभ भावना शुभकामना दे, बाबा के निर्माणाधीन सभी नए भवन, नए मकान निर्विघ्न रीति से संपन्न और संपूर्ण हो रहे हैं। बाबा के सारे भवन मकान रिट्रीट सेंटर बेहद ईश्वरीय सेवा में यूज हो रहा है। हम फरिश्ते बनकर बाप दादा के साथ एक सेकेंड में उन सभी स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां जहां पर बाबा के नए रिट्रीट सेंटर, नए भवन, नए मकान बन रहे हैं। चारों ओर दृष्टि देकर उन स्थान को निर्विघ्न बना रहे हैं। हम उन स्थान पर भी पहुंच रहे हैं जहां पर बाबा के भवन और मकान निर्माण करने के लिए नए जमीन लिए जा रहे हैं। जमीन को बाबा के नाम से करने में जो भी विघ्न समस्याएं आ रही हैं, विघ्न विनाश बनकर सारे विघ्नों को समाप्त कर रहे हैं। सहज और सरल गति से बाबा के वो जमीन बाबा के नाम से हो रहे हैं। एक सुखद अनुभव हो रहा है। बाबा का यह बेहद यज्ञ निर्विघ्न और सफलता पूर्वक संपूर्ण और संपन्नता की ओर आगे बढ़ रहा है। वापस अपने पितर में बाप दादा के सम्मुख आ रहे हैं।
अब बाप दादा के दृष्टि के द्वारा स्वयं को शक्ति और सामर्थ्य अनुभव कर रहे हैं। बाप दादा के वरद हस्त मस्तक पर महसूस कर रहा हूं। बाबा मुझे स्तुति की तिलक दे रहे हैं। तीन बिंदुधारी भवा, तीन बिंदु के तिलक बाबा दे रहे हैं। तीन बिंदु में आत्मा बिंदी बाबा बिंदी बेहद ड्रामा बिंदी बेहद ड्रामा में जो कुछ हो रहा है सब कल्याणकारी है। सुस्मृति के तिलक लेकर मैं वापिस अव्यक्त वतन से साकार वतन में लौट रहा हूं। साकार देह में मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो जाता स्वराज्य अधिकारी शक्ति स्वसमर्थी मास्टर वरदानी मूरत मास्टर सर्वशक्तिवान सर्व खजानों से भरपूर विदेही हूं। मैं दिल से बाप दादा का शुक्रिया अदा कर रही हूं जो आज की अमृत वेले बाबा ने मुझे अपने तख्त नशीन बनाकर सर्व वरदानों से सर्व शक्तियों से सर्व खजानों से मुझे संपन्न बनाया और भरपूर किया। शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका दिल से शुक्रिया। ओम शांति। शिव की
बंद।